डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, हत्या का मामला दर्ज हुआ तो डॉक्टर ने की आत्महत्या। राजस्थान का दौसा जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। मंगलवार को एक महिला डॉक्टर के सुसाइड के बाद राजस्थान में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देर रात महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट सामने आने के बाद डॉक्टर आक्रोशित हो गए और विरोध प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को राजस्थान के सभी निजी हॉस्पिटल्स में 24 घंटे का कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। दरअसल डॉक्टर अर्चना शर्मा का लालसोट जिला दौसा में निजी हॉस्पिटल है। सोमवार को डिलीवरी के दौरान खेमावास निवासी एक प्रसूता महिला आशा बैरवा की मौत हो गई। इसके बाद घर वालों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा डिप्रेशन में आ गई और मंगलवार को उन्होंने सुसाइड कर लिया। अर्चना शर्मा के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा है, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी को नहीं मारा, मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर देगा। मैं मेरे पति बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, कृपया मेरे मरने के बाद इन्हें परेशान नहीं करना। PPH कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए डॉक्टर को इतना प्रताड़ित करना बंद करो, मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। डोंट हरेस इनोसेंट डॉक्टर्स प्लीज, लव यू प्लीज, मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। महिला डॉक्टर के सुसाइड के बाद आनंद हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनीत उपाध्याय की ओर से लालसोट थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बता दें कि डॉक्टर अर्चना शर्मा MBBS MD स्त्री रोग प्रसूति एवं निसंतानता विशेषज्ञ के अलावा मेडिकल कॉलेज गुजरात की एसोसिएट प्रोफेसर रही थी। अचानक सुसाइड से पूरा परिवार सदमे में है। उसके पति डॉक्टर सुनीत सहित एक 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय बेटी है। अब इस पूरी घटना और मिली सुसाइड नोट की कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स में आक्रोश है। नवभारत समाचार राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सुनीत उपाध्याय है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर अर्चना शर्मा MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट गोल्ड मेडल लेकर सुसाइड कर लिया हैंगिंग करके। घटना इस तरह से थी, परसों एक आशा बैरवा की डिलीवरी हुई थी हॉस्पिटल में और वो लेडी कॉम्प्लिकेटेड थी। पहले उसको लालसोट से रेफ़र किया दौसा, दौसा से रेफ़र किया जयपुर, जयपुर से फिर उन लोगों का फ़ोन आया कि साहब यहाँ तो हमारा ज़बरदस्ती लाइगेशन भी करेंगे, हमारे 3 लड़कियाँ हैं तो आप ज़बरदस्ती लाइगेशन नहीं करो तो हम लालसोट आ जाएँ। तो हमने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल कोई क्यों लाइगेशन करेगा, आपकी इच्छा है। और उस महिला का पहला सीजेरियन भी यही हुआ था जिसमें उसको ट्विंस हुए थे, तब वो लालसोट आ गए, उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल सीजेरियन हो गया उसका। 2 घंटे बाद उसको मैसिव PPH हुआ, एटोनिक PPH हुआ। हम बहुत देर तक 2 घंटे तक जूझते रहे उससे, 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया पर हम उसको बचा नहीं पाए। उसके घर वालों ने ये सब चीज़ देखी थी कि हमने कितनी मेहनत करी उस पर, सारा हॉस्पिटल बंद करके, सब OPD बंद करके। तो घर वाले तो हाथ जोड़ते हुए हमसे कह रहे थे, साहब आपने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, हमारी तकदीर ख़राब थी। तो वो उन्होंने कहा कि साहब एम्बुलेंस भिजवा दो बस इसको घर छुड़वाने के लिए। तो हमने एम्बुलेंस उनको फ्री में भेजी और वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रही थी, फिर मुझे बताया किसी ने कि बल्ला जोशी, शिवशंकर बल्ला जोशी वहाँ पर घर जाके उनको उठा के लेके आया कि मैं तुमको खूब अच्छा मुआवजा दिलवाऊंगा। अस्पताल को लाश को लाके हॉस्पिटल के आगे पटक दिया, 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं को बुला लिया उसने, हरकेश मटलाना, एक जितेंद्र गोठवाल, और फिर ये भी आ रही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना भी आ रहे हैं। ये शिवशंकर बल्ला जोशी पहले भी आनंद हॉस्पिटल में फिरौती ब्लैकमेल की पहले कोशिशें करता रहा है, हमने उसके खिलाफ़ FIR भी दी थी पर पुलिस डॉक्टर किरोड़ी मीना के दबाव में उसके खिलाफ़ FIR दर्ज नहीं करती। वो लालसोट थाने का हिस्ट्री शीटर है, पहले पुलिस वालों का सिर भी फोड़ चुका है पर हर बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना उसको बचा लेते हैं और उनके नाम पे वो गुंडागर्दी करता है। हमने पूरी कोशिश करी ये मामला टले, लेकिन आखिर पुलिस वालों ने उसके दबाव में दफ़ा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। सुबह जब डॉक्टर अर्चना ने यह खबर पड़ी तो वो घबरा रही थी, बोले बल्ला जोशी, ये महेश बिहारी वगैरह पत्रकार क्या मुझे जेल भेज देंगे। राजस्थान पत्रिका का रिपोर्टर है महेश बिहारी, वो भी ऐसा ही एक दलाल है, उसने हमारा पक्ष नहीं छापा, सिर्फ उसने एक तरफा खबर छापी। तो वो बहुत राजस्थान पत्रिका पढ़ के वो बहुत डर गई, तो उसको लगा ये तो अब मुझे जेल भेज देंगे। मैं उसको समझाया कि नहीं ऐसी जेल नहीं होती, पर शायद उसकी दहशत निकल नहीं पाई और उसने मुझे भी नहीं बताया और 11:30 बजे के आसपास उसने सुसाइड कर लिया। मेरी आप सबसे विनती है कि ये लाश अस्पतालों को आगे लाशों के रखने का ये जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जिस मैना जैसे नेताओं को इन गुंडों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए और ऐसे जो छुटबई नेता हैं बल्ला जोशी जैसे इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो अस्पतालों को ब्लैकमेल करते हैं, और ऐसे जो SHO और DSP हैं जो 302 का मामला दर्ज करते हैं इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, तभी मेरी पत्नी को न्याय मिलेगा, नहीं तो ये न्याय अधूरा ही रहेगा।